हेलो दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस इंजन का पार्ट 9 है। अगर आपने नहीं देखा है और सारे पार्ट, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले आज मैं बताऊँगा सिलेंडर एंड पिस्टन विथ हेड असेंबलिंग एंड टैपेट सेटिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ब्लॉक को इंसर्ट इंजन बॉडी में कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सेट सकते करते करें। समय अच्छी तरीके से लुब्रिकेट करें। लुब्रिकेट करने के बाद ब्लॉक को, जैसे आप देख सकते हो, इंसर्ट करने के बाद पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देना है। फिर हमें कनेक्टिंग को टाइट करना है। तो इसमें भी कुछ प्रोसेस होता है। ये देख सकते हो, ये नोच दोनों फ्राई व्हील की तरफ होने चाहिए। ये फ्राई व्हील की, दोनों नोच फ्राई व्हील की तरफ होने चाहिए। और इस पील कट वाला टाइम, इस ये जो कट है ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसे कनेक्टिंग इंसर्ट कर लिया है। अब इस कनेक्टिंग के बोल्ट को अच्छी तरीके से इंसर्ट करके टाइट करेंगे। तो आप जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से ये फिट हो जाता है। और कभी भी सेट करते हो तो अच्छी तरीके से लुब्रिकेट ज़रूर करें। तो ये देख सकते हो, मैंने कनेक्टिंग को अच्छी तरीके से इसको भरपूर टाइट देना है, फुल लोडेड। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोजाना नई नई टॉपिक के वीडियो के लिए। तो ये देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार से हमें इसे टाइट करना है। तो जैसे कि मैंने इसको टाइट कर लिया है, टाइट करने के बाद इंजन को पुनः रिटर्न लेते हैं। और पिस्टन को दबाने के बाद, ब्लॉक को दबाने के बाद पिस्टन हमें ऊपर की तरफ लेना है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, मैंने पिस्टन को फुल ऊपर की तरफ ले लिया है, ये देखो आप। और मैंने अब हेड गैस्किट बहुत से मैकेनिक भाई हाथ से बैठाते हैं, जो कि हेड गैस्किट बेंड हो जाती है। तो इसे हेड गैस्किट ऐसे इंसर्ट करना है। और जो आपके पास पुराना ब्लॉक हो, पुराने ब्लॉक को कुछ इस प्रकार से इसमें हेड के पास इंसर्ट करने के बाद हल्का सा मूवमेंट देना है, आपकी हेड गैस्किट बड़े आसान तरीके से, ये देख सकते हो, परफेक्ट हमारी हेड गैस्किट बैठ चुकी है, ये देख सकते हो आप। फिर हमें इसके बाद ये लाल रबड़, बहुत से मैकेनिक बोलते हैं इसको रॉकर रबर भी बोलते हैं, इसका नाम रॉकर रबर है। तो इसे हमें हल्का एनाबोंड की मदद से इसे इंसर्ट करना है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने एक इंजन बॉडी में इंसर्ट कर दिया। ये कुछ इस प्रकार से इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमें पाइप में भी एनाबोंड हल्का लगाना है। लगाने के बाद फिर हम ये दूसरी वाली भी आप देख सकते हो, इसको भी हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। फिर इसमें एनाबोंड फिर से हम लगाएंगे हल्का, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। और इसको बैठाते समय बहुत ही आसान तरीके से बैठाएं। अगर इसमें जो जला भी जोर ज़बरदस्ती करते हैं या फिर आपकी रबर दब जाती है, तो यहाँ से ऑयल लीक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो ये देख सकते हो, मैं कुछ इस प्रकार से इसे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। ये मेरी बड़े आसान तरीके से ये इंसर्ट हो चुका है। फिर हमें हेड को असेंबल करना है। तो ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हमें असेंबल करना है। और ये भी बड़े आसान तरीके से इंसर्ट हो जाता है, ये देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से। ये एक हाथ से हमें रबर पुश रॉड को भी इसको इंसर्ट करना है। ये देख सकते हो, मेरा परफेक्ट हमारा हेड बैठ चुका है इसमें। फिर हमें इसमें टैपिट जो रॉड आती हैं, पुश रॉड, इसको हमें इंसर्ट करना है, ये देख सकते हो। जो हमारा पुश रॉड होगा, जो अंदर वाला होगा बाहर की तरफ रहेगा, बाहर वाला अंदर की तरफ रहेगा। और फिर हमें इसमें टैपिट, इसमें बहुत से मैकेनिक भाई चिड़िया बोलते हैं, टैपिट बोलते हैं, तो मैं इसे टैपिट ही बोलता हूँ, टैपिट चिड़िया। तो इसको कुछ इस प्रकार से हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद फिर हमें वाशर और नट फिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से हमें फिट करना है इसको, ये वाशर और नट, वाशर और नट। और फिर हम इसे टाइट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको टाइट करना है। टाइट करते समय इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान देना है, जब आपका हेड टाइट हो तो आपके टैपिट दोनों लूज होने चाहिए। अगर आपका टैपिट टाइट होता है, जैसे कि ये देख सकते हो, मेरा टैपिट टाइट हो रहा है ये, अगर आपका टैपिट टाइट होता है तो इसे टैपिट को पुनः लूज करें। अगर टाइट होने के बावजूद भी आप टाइट कर देते हो, तो आपके पुश रॉड बेंड होने के बहुत से ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हेड टाइट करते समय
आपके टैपिट पूरा लूज कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लूज कर लिया है। लूज करने के बाद अब हेड को अच्छी तरीके से परफेक्ट इसको टाइट करेंगे खींच के, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं हेड को प्रॉपर तरीके से टाइट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें भी टाइट करना होता है। टाइट करते समय इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान देना है कि हमारी टैपिट चिड़िया जो है हमारी लूज़ होनी चाहिए। अगर टाइट कंडीशन में टाइट कर देंगे तो पुश रॉड बेंड होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। तो ये देख सकते हो जैसे कि मैंने ये चिड़िया चेक किया, बराबर है, मेरी टैपिट ढीली है। फिर हम इसे फिर इसको भी हम 6 नंबर की एलंकी की मदद से इसे भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने से पहले इसको भी अच्छी तरीके से सफाई ज़रूर करना है, क्योंकि इसके अंदर कचरा आ जाता है या एम्बरी आ जाती है, तो इसे भी सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से हमें अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें बड़े आसान तरीके से टाइट हो जाता है। फिर चलो इसका चंबर भी फिट करके आपको दिखाते हैं। इसका चंबर तो ये देख सकते हो मैंने चंबर को इंसर्ट किया, एना बाउंड लगाया, इसमें पैकिंग भी इंसर्ट कर दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें चंबर लगाना है। चंबर लगाने के बाद ये देख सकते हो नट हमें बोल्टों को भी अच्छी तरीके से इंसर्ट करना है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ऐसे ही रोज़ाना नई नई टॉपिक की वीडियो के लिए। तो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखा है, कोई भी पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो इन बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट करते हैं। तो ये देख सकते हो फटाफट हम इनको टाइट कर लेते हैं। तो आज का सेशन ये ख़त्म होता है। जैसे कि पूरे इंजन का पार्ट हमने बनाया है, अगर आप लोगों ने पूरे पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे लिंक पे जाएं और वहां से आप सारे पार्ट वीडियो आप इंजन के BS3 इंजन के देख सकते हो। तो ये देख सकते हो मैंने कम्प्लीटली फिट कर लिया है। अगर दोस्तों इसे कम्प्लीट इंजन चढ़ाने का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको स्पेशल मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रोज़ाना नहीं।